मैंने मन्नत मानी थी, एक लड़की ने लिखा है कि अगर अल्लाह ने मुझे लड़का दिया तो मैं उसका नाम मोहम्मद रखूंगी। अल्लाह ने मुझे लड़का दिया, मैंने नाम मोहम्मद रखा। अब वहाँ के मौलवी कहते हैं कि ये नाम अकेला नहीं, इसके साथ कोई और मिलाओ। बोल मौलवी गलत कहते हैं, झूठ कहते हैं। बल्कि बेटी आप हैरान होंगी कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने एक बुजुर्ग से मुलाकात की तो देखा कि उनके नाम जो थे ना मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा हजरत ये क्या है, दादा परदादा सब के। उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक असूल था, औलाद नहीं होती थी, तो किसी अल्लाह वाले ने हमें कहा था कि अगर ये नियत कर लो कि हम अपनी बेटे का नाम मोहम्मद रखेंगे तो अल्लाह बेटा देंगे। तो वो दुआ करते रहे, जूँ बेटा होते वो नाम मोहम्मद रखते गए। तो मोहम्मद हजूर का नाम है, ये पूरा नाम नहीं है, तो पूरा नाम कौन सा होता है? हुजूर ने फरमाया अना मोहम्मद व अना अहमद व अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, इससे अच्छा कोई नाम नहीं है, बिल्कुल यही नाम रखे। आपको जो मौलवी कहते हैं ना, वो अल्लाह जाने कहा के मौलवी हैं। मेरे बच्चे बेनमाजी हैं, बिगड़े हुए हैं, उनके लिए दुआ भी किया करें, दो रकात नमाज पढ़ के सूरत अल इखलास जो है ना 100 दफ़ा पढ़ के दुआ मांगा करें कि अल्लाह उनको दीन पर ले आए, और उनको कोशिश ये करें कि दीन वालों से ताल्लुक़ बन जाए, फिर इस्लाह होगी। ऐसी इस्लाह नहीं होती जब तक कि किसी अल्लाह वाले की सोबत न मिले। तो एक दफ़ा हज़रत थानवी ने कहा कि भाई जिक्र का जो फ़ायदा है ना, वो किसी अल्लाह वाले की सोबत में होता है। एक मेरे जैसा कोई मौलवी भी बैठा होगा ना, तो उसने कहा हजरत जिक्र का अपना एक फ़ायदा है, फिर अल्लाह वाले की सोहबत की क्या ज़रूरत है? जिक्र तो जिक्र है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, उसका मुस्तकिल अपना फ़ायदा। फरमाया मेरे भाई तलवार का काम है काटना, लेकिन काटेगी तो तब जब किसी के हाथ में होगी, खुद ब खुद तो नहीं काटेगी। तलवार रख दो काट देगी, उसने कहा नहीं, उन्होंने कहा उसे कोई पकड़ने वाला भी तो होना। इसीलिए जिक्र का अपना फ़ायदा है, लेकिन जब वो किसी अल्लाह वाले की सोबत और उसकी तालीम के साथ होता है तो वो बिल्कुल फिर अक्सीद बन जाता है।